भगवान श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नाग पंचमी के दिन नाग देवता का मंदिर वर्ष में एक बार ही खुलता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर 12:30 बजे भगवान का नैवेद्य आरती के समय पर मंदिर कुछ समय के लिए खोला जाता है। इसमें कुछ खास लोग ही पूजा अर्चना करते हैं। आपका शुभ नाम? पंडित नीलेश पुरोहित, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। जी, ये नाग पंचमी के दिन पूजा किस प्रकार से और कब होती है? देखिए, नाग पंचमी के दिन वर्ष में एक बार भगवान श्री ओंकारेश्वर जी के मंदिर में जो श्री नाग देवता जी का स्थान है वो खुलता है। दोपहर में 12:20 पर जब मंदिर के भोग के लिए पट बंद होंगे उस समय पर उस मंदिर को थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा और उसमें पूजा अभिषेक पूजा अर्चना करने के बाद में पुनः उसको वापस बंद कर दिया जाता है। उसी समय पे तमाम मंदिर से संबंधित लोग, यहाँ के राजा, यहाँ के ट्रस्टी पूजा वगैरह करके उस मंदिर को विधिवत रूप से वापस ढांक देते हैं। जी, आज के दिन कोई विशेष सवारी भी निकलने वाली है भगवान श्री ओंकार? सवारी तो चारों ही सोमवार विशेष निकलती है, महासवारी अगले सोमवार को निकलेगी। आज भी भगवान श्री ओंकारेश्वर जी के श्रावण मास में सोमवार में सवारी निकलेगी जो लगभग 3 बजे मंदिर से निकलकर पहले घाट पर जाएगी। वहाँ घाट पर पूजा अभिषेक होगा, उसके बाद में नौका विहार करने के बाद में रात को 9 बजे तक पूरे नगर का भ्रमण करते हुए मंदिर में पहुँचेगी। जी, तो इसमें शासन और प्रशासन की किस प्रकार की भूमिका रहेगी? शासन और प्रशासन का काम व्यवस्थाओं को देखना है, जो कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने, अपने SP साहब ने चारों तरफ अपने जवान लगा रखे हैं। मंदिर में भी उनकी सुविधाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही है। जी, कल और आज कितनी भीड़, कितने भक्तों ने दर्शन किए और लगभग कितने लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई? कल लगभग 1 लाख लोगों ने दर्शन किए होंगे और आज भी प्रातःकाल 3:30 बजे से दर्शनों का सिलसिला प्रारंभ हो गया था, जो कि अभी अनवरत रूप से जारी है और ये आज का भी संख्या लगभग 1 लाख के लगभग पहुँच गया। दर्शन प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले नागदेवता मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। दोपहर 3 बजे भगवान श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सवारी निकलती है जो रात के 9 बजे तक मंदिर पहुंचती है। वही भगवान श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पालकी में गुलाल एवं गुलाब उत्सव मनाया जाएगा जो नगर के विभिन्न जगहों से निकलेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु उपस्थित होंगे। ये जो एक राजस्थान से गंगा जल लेके आते हैं, इसके क्या मायने हैं, क्या वो विचार हैं आपके? ये अपनी अपनी आस्था है, ये लोग राजस्थान के लोग हैं, हरिद्वार जी से जल भरते हैं। कुछ लोग खड़े खड़े आते हैं, कुछ लोग पैदल आते हैं और कुछ लोग ट्रेन मोटर में बैठ करके आते हैं। इन लोगों का पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। ये लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए प्रत्येक परिवार में से लगभग 1 सदस्य तो गंगा जल भर के हरिद्वार से और ओंकारेश्वर ला के चढ़ाता ही है। जी, अभी हम थे नीलेश पुरोहित जी के साथ जो मेन मंदिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, पंडा हैं यहाँ के। न्यूज इंडिया A9 के लिए रमाकांत शर्मा की खास रिपोर्ट। जय हिंद। न्यूज इंडिया A9 के लिए रमाकांत शर्मा ओंकारेश्वर से।